सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। भाई देखो यहाँ पे क्या डिस्कस क्या करने वाला हूँ, दो तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला नंबर, जैसे कि एनडीए के एग्जाम के बारे में आपने पता होगा आज से दो दिन पहले यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें बोला था कि आपके एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो मीन्स दोनों बैच, जैसे इनटेक फर्स्ट एंड इनटेक सेकंड, दोनों को एक साथ में 6 सितंबर को कंडक्ट करा लिया जाएगा। सो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पूछ रहे हैं भाई क्या एयरफोर्स में ऐसा हो सकता है। एक मैंने एक अलग टेलीग्राम चैनल बनाया जिसमें सभी के सभी चैट कर रहे हैं और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो उसमें सभी ये पूछते हैं भाई ये बताओ, मैं भी उसमें रहता हूँ शाम को, बट मैं जब फ्री होता हूँ तभी। सो उसमें ये कैंडिडेट पूछ रहे हैं, बट चलो उससे पहले मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ बातें बता देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक पे आके जरूर बात करेंगे। मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। किस रीजन से बताता हूँ, पहला नंबर तो मैं आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ बेसिकली अपना उस रेंज पे, मतलब उस एक्सपीरियंस जो होता है ना वो है। दूसरा नंबर कुछ मुझे इससे पार्ट टाइम, क्योंकि मैं भी स्टडी करता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, अदरवाइज़ मैं भी अपनी आईज का लैजिक ऐसी करा लेता और मैं भी अभी तक बिल्कुल सेलेक्ट हो जाता, ठीक है ना, एयरफोर्स या नेवी पे किसी ना किसी पे तो हो ही जाता। बट उसी वजह से मैं यूट्यूब पे एंट्री की थी कि मैं एक पार्ट टाइम की तरह इस पे वर्क करूँगा और यहाँ पे आके अपना मीन्स थोड़ा बड़ा मीन्स इससे कुछ ना कुछ अर्निंग करके मैं अपना कवरअप करूँगा। मीन्स धीरे धीरे अपना जो स्टार्टिंग है, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कभी बताऊँगा किस टॉपिक पे। सो मैं उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया, अभी मैं आप सभी ने परीक्षा ऐप के बारे में सुना होगा, ठीक है। सो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है और अभी मैं वीडियो स्टार्टिंग पे नहीं बोलता, मैं वीडियो के बीच पे बोलता हूँ। आप एनडीए एयरफोर्स एंड नेवी, एक सेकेंड, ओके, एनडीए एयरफोर्स एंड नेवी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। परीक्षा ऐप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाना, जब कभी भी खरीदना किसी दूसरे को खरीदवाना, सो मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 जरूर आप उस पर डलवा देना। उसमें होगा क्या कि उससे मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा एंड आपको उससे प्रॉफिट क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट ये मिलने वाला है कि आपका जो मिस 40% का डिस्काउंट, जैसे कि 270 की आई थिंक टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एनडीए का, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों का शो कर दूंगा, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे भी बात करूंगा। तो ऑनलाइन D40 आप जाओ डालोगे, उसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आप डाउट मिस उसमें फिर टेस्ट दे सकते हो, निगेटिव मार्किंग होगी, क्वेश्चंस बोथ लैंग्वेज में, क्वेश्चंस बिल्कुल धुआंधार है, आप डेमो जाके कर सकते हो, देख सकते हो। परीक्षा ऐप का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद दूसरी चीज, अगर आप वहाँ से मिस टेस्ट सीरीज बाई करते हो, मेरा कूपन कोड डालते हो, तो उससे मुझे जरूर प्रॉफिट होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर यूज करते हो तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे YouTube से अभी कुछ ज़्यादा अर्निंग हो नहीं रहा, क्योंकि व्यूज़ वगैरह किसी चैनल पे व्यूज़ एंड वॉच टाइम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सो ये हो गया पहला नंबर। सो NDA एयरफोर्स नेवी किसी की भी टेस्ट सीरीज बाई करो और अपनी रैंक देखो ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ और वहाँ पे जाके अपनी रैंक देखो कि हाँ भाई हम कहाँ पे आ रहे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो उस बेस पे अपना रैंक देखो, देन नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ो, नेक्स्ट प्रिपरेशन करते रहो। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसे एनडीए ने किया, क्या एयरफोर्स भी ऐसा कर सकता है? व्हाई नॉट, गिव मी वन रीजन कि क्यों नहीं। मैं कहता हूँ कि कर सकता है, मैं इसके फेवर में हूँ। क्यों? क्योंकि जुलाई पे वैकेंसी आता था, आपको पता होगा लास्ट टाइम मैं मतलब वैकेंसी की डेट बताता हूँ, 8th जुलाई को नोटिफिकेशन आया था एयरफोर्स इनटेक 02/2020 का, जिसका अभी ज्वाइनिंग है उस बैच का। अब यहाँ पे पूछोगे कि भाई ठीक है, एयरफोर्स ने क्या बोला है, लास्ट जून तक एग्जाम का कोई चांस नहीं, वो एग्जाम डेट बताएंगे लास्ट जून पे। एक कैंडिडेट है मेरी जानकारी में टेलीग्राम पे बहुत बड़ा बड़ा लिख के बता रहा था कि भैया वो मेरे भाई ने बताया है कि अभी जो बैच ज्वाइनिंग है ना, इसमें से कुछ लड़कों को अभी भेज दिया जाएगा और कुछ लड़कों को कुछ दिनों बाद मीन्स इसी बैच में से जो अभी ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, जिनका कल एनरोलमेंट आ रहा है उनका, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ ये जरूर हो सकता है कि दोनों को एक में ऐड किया जाएगा, मुझे भी लगता है, बट ये बहुत गोल्डन चांस होगा। वैकेंसी भी इंक्रीज हो जाएगा मीन 6000 में, जो अगर 3000 से 3500 वैकेंसी थी होती है वो आपका 7000 ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी। और पढ़ाई करते रहो तो भैया आप बिल्कुल तगड़े चांस भी, कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। पता नहीं एग्जाम कब से पोस्टपोन हो रहा है, और जो पढ़ने वाले हैं, जो मीन्स जिन्हें एयरफोर्स पे जाना है, वो तो अपना बिल्कुल करियर मीन्स अपनी पढ़ाई को तो रेगुलर किए ही है ना। सो आपको भी वही करते रहना है। अगर कोई भी डाउट बनता है, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम आपका हो सकता है, बोथ में कंक्लूड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, गिव मी वन रीजन। जुलाई पे वैकेंसी आता था, नेक्स्ट एक महीने बढ़ा के अगस्त पे दोनों का एग्जाम करा लेंगे। वैसे भी सितंबर पे एग्जाम होता है, 13, 14, 15 लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, आपको याद होगा। सो उस बेस पे अगर वैकेंसी एग्जाम कंडक्ट रह जाता है, देन आपका टोटली मीन्स दोनों के दोनों एक साथ में हो जाएंगे।
और बाकी सब कुछ उसी बेस पे निर्भर करेगा। मीन्स उस पे एयरफोर्स पे वही बताएंगे। मीन्स ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं कि हाँ दोनों एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कराए जा सकते हैं। और अभी जो गर्मी का लेवल है भाई बहुत ज़्यादा है। मैं जहाँ पे हूँ अपने रूम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा गर्मी है कुछ कहने के नहीं, छत बहुत टेम्परेचर हाई है। सो आप सभी से मीन्स कहना है कि प्रिपरेशन चालू रखो, एयरफोर्स एग्ज़ाम साथ में हो सकता है। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? एग्ज़ाम अगर होगा तो आपका मीन्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगस्त, ठीक है। अभी जुलाई पे चांस नहीं दिख रहा क्योंकि कल अपने एचआरडी मिनिस्टर ने भी बोला है पोखरियाल जी ने कि उन्होंने ये भी बोला है कि 15 अगस्त तक स्कूल्स वगैरह खुलेंगे। और ट्रेन्स वगैरह भी तो अभी चल नहीं रही। मेरा एक दोस्त है यूके पे, उसको बोल रहा था भाई मुझे देहरादून जाना है तो यहाँ से कोई ट्रेन ही नहीं चल रही। अगर नेवी का पीएफटी बोला अगर 30 जून तक हो जाता है तो सेम थिंग मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बी रेडी, अगस्त पे सब कुछ होने वाला है। अगस्त से सितंबर, जैसे इंडिया ने सितंबर कराया है, एयरफोर्स सितंबर जा सकता है, बट मैक्सिमम अगस्त 15th ऑफ अगस्त टारगेट होना चाहिए। एंड यू हैव 15 डेज, उसी को टारगेट करो। जो डाउट्स हो मुझसे आंसर करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एट लास्ट मेरा एक सजेशन आपके लिए एक और है कि परीक्षा ऐप पे विजिट करो, बाय करना टेस्ट सीरीज। सो ऑनलाइन D40 डालना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, जय जय भारत एंड वंदे मातरम, बाय बाय।